वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट पॉइजन अभी टू ले ली। यह फिल्म पॉइजन आईवी सीरीज का दूसरा पार्ट है। हालांकि इस सीरीज में पिछली कहानी का आज की कहानी से कोई लिंक नहीं है, पर इसका पहला पार्ट इतना ज़्यादा हिट हुआ था कि इसके मेकर्स को मजबूर होना पड़ा एक के बाद चार पार्ट्स बनाने के लिए। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस पर जाके इसे देख सकते हैं। फिल्म की खासियत ये भी है कि इसे डायरेक्ट टू वीडियो प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था, यानी इसे सिनेमाघरों में ना रिलीज़ करके होम वीडियोज़ पर दिखाया गया था। फिल्म एक इरोटिक थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था एनी गॉर्सेट ने, राइटिंग का काम किया था क्लोए किंग ने, साथ में इसमें एक्टिंग में एलिसा मिलानो, जेंडर वर्कली और जोनाथन सर्च का नाम था। ये कहानी है लिली की। वैसे तो वो मिशिगन से है, पर आजकल वो कैलिफोर्निया आई हुई है अपने कॉलेज को अटेंड करने के लिए। उसे आर्ट में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए अपना ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में ही कर रही है। उसे पेंटिंग्स बहुत पसंद है। यहाँ उसे एक अपार्टमेंट भी मिल गया है जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई तान्या से। तान्या उसकी रूममेट है। तान्या एक लेस्बियन है और साथ में एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। इस तरह लिली की उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। इसी रूम में उसकी दूसरी रूममेट है ब्रिजेट, जो कि नॉर्मल नहीं लगती, बड़ा ही रूड बिहेव करती है, कई बार तो बहुत ही बुरे तरीके से जवाब देती है लिली के सवालों का। और इस तरह शुरू से ही इन दोनों के बीच टकरार होती रही। लिली को ब्रिजेट कभी भी पसंद नहीं करती, पर ये दोनों ही रूममेट्स भी आर्टिस्ट हैं उसी की तरह। लिली के कॉलेज में ही पढ़ता है रॉबर्ट। वो अक्सर बड़ा चुप रहता है, पर इसके साथ वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है। और इस तरह सारे के सारे आर्ट स्टूडेंट हैं, पर कुछ कुछ इनमें ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। लिली की पेंटिंग क्लासेस में डोनाल्ड, जो कि उन्हें पेंटिंग सिखाता है, शुरू के कुछ दिनों में लिली ने देखा कि डोनाल्ड किसी और लड़की से बहुत क्लोज हो रहा है, वो उसकी स्टूडेंट है। ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। लिली ने इसे नोटिस तो किया, पर बाद में इग्नोर कर दिया। उसी क्लास में ग्रेडिन भी पढ़ता है। वो ग्रेडिन से बड़ी कंफर्टेबल है। दोनों ने धीरे धीरे बात करनी शुरू की और इन दोनों के बीच एक केमिस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो गई। एक दिन लिली को अपने अपार्टमेंट में एक बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, कुछ बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, और ये सब आईवी की हैं। आईवी एक ऐसी लड़की है जिससे लिली आज तक कभी नहीं मिली। इस फिल्म में हमें आईवी को कभी भी नहीं दिखाया गया। पॉसिबिलिटी ये है कि राइटर ने फर्स्ट पार्ट के आईवी से कनेक्शन बनाने के लिए आईवी के बिलोंगिंग्स को यहाँ दिखाया है। इस बॉक्स में लिली को आईवी की कुछ न्यूड पिक्चर्स मिली हैं और साथ में उसकी एक डायरी मिली है। इस डायरी में आईवी ने अपने आप के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। लिली ये सब देखकर और पढ़कर इतनी अचंभित है कि वो अपने आप को आईवी के सामने कुछ भी महसूस नहीं कर रही। अब वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है और इसके साथ ही उसका मेंटल पीस भी अब चला गया है। अब वो आईवी के जैसा ही बनना चाहती है, उसी के जैसे फियरलेस और अट्रैक्टिव। अब एक तरह से उसे आईवी का ऑब्सेशन हो गया है। इस ऑब्सेशन में लिली अपनी क्लास में भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, जबकि ग्रेडिन इसके उल्टा काफ़ी कॉन्फिडेंट है और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। और इसी की वजह से लिली अपने आप को उसके प्रति आकर्षित महसूस कर रही है। लिली को ग्रेडिन में वो क्वालिटीज़ दिख रही हैं जो कि उसे अपने आप में नहीं लग रही, और साथ में उन क्वालिटीज़ के थ्रू वो ग्रेडिन को पसंद करने लगी है। अब तो उसने उसे डेट करना भी शुरू कर दिया है। इन सब में एक दिन डोनाल्ड लिली को हाथ पकड़कर पेंटिंग सिखा रहा था। ग्रेडिन ने यह सब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ही कहा, ये पेंटिंग बड़ी बकवास है। पर लिली को लगा कि इस समय ग्रेडिन उसी का मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में यहाँ से चली गई। बाद में ग्रेडिन ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की और कहा, मेरा तुम्हें इंसल्ट करने का कोई भी मकसद नहीं था, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब डोनाल्ड तुम्हें टच करता है। इस पर लिली ने कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मेरे और डोनाल्ड के बीच कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को अब कुछ दिन गुजर चुके हैं। इसी बीच लिली को अब एक जॉब की ज़रूरत है। इधर डोनाल्ड को भी अपने घर पर अपनी बेटी डैफना के लिए बेबी सिटर की ज़रूरत है, और इसी क्रम में डोनाल्ड ने लिली को एज अ बेबी सिटर अपने यहाँ रख लिया। अब लिली काफ़ी अच्छा कर रही है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद वो डोनाल्ड के घर चली जाती है बेबी सिटिंग करने के लिए, और इस तरह वो पेंटिंग्स भी अच्छे से कर रही है। अब उसके जीवन में ग्रेडिन के रूप में प्यार भी है, पर इन सब में भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, और इसकी वजह है आईवी। अब वो आईवी की पर्सनैलिटी से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुकी है। अब वो हर हाल में आईवी की तरह बनना चाहती है। जो पिक्चर्स उसने आईवी की देखी है वो अपने आप को इन पिक्चर से भी अच्छा बनाना चाहती है। इस क्रम में उसने अपने बालों को भी काट दिया और अब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहनने लगी है। अब जो कि लिली अट्रैक्टिव होती जा रही है, ग्रेडिन उसे देखकर दिन पर दिन और भी अपने आप को आकर्षित महसूस कर रहा है। इस तरह दोनों ने अब एक साथ काफ़ी वक्त गुजारना शुरू कर दिया है, और आज की रात दोनों हमबिस्तर भी हुए। एक दिन ग्रेडिन ने लिली से कहा, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम डोनाल्ड के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करती हो। इस पर लिली ने कहा, यह सब हो रहा है क्योंकि मैं उसके यहाँ बेबी सिटिंग करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक दिन पेंटिंग बनाते वक्त डोनाल्ड ने लिली से पूछा, तुम अपने कपड़े उतार दो ताकि मैं तुम्हारी एक न्यूड पेंटिंग बना सकूँ। लिली इन सब के लिए तुरंत ही मान गई और डोनाल्ड ने उसकी पेंटिंग बनानी शुरू की।
इतने में डोनल ने उसे टच करना शुरू किया, धीरे धीरे उसे किस करने लगा। इस समय वो भूल गया था कि उसकी एक बीवी भी है एंजेला नाम की। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लिली ग्रेडिन को दूर से देख रही है। ग्रेडिन जो कि इस समय ब्रिजिट से मिल रहा है, वो उसे काफ़ी नज़दीक था। ये बात लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस तरह अब लिली ने ब्रिजिट को और भी डिसलाइक करना शुरू कर दिया है। अगले दिन हेलोवीन पार्टी थी। यहाँ पर लिली काफ़ी आकर्षक कपड़े पहनकर आई थी और वह देखकर खुश है कि यहाँ पर उसे काफ़ी मर्दों का अटेंशन मिल रहा है। पर इतने में उसकी खुशी काफूर हो गई और इसकी वजह थी उसने देखा ग्रेडिन जो कि किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है और वो भी काफ़ी नज़दीक से। उन दोनों की नज़दीकी देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। जिस तरह ग्रेडिन उसे होल्ड कर रहा है, ये बात लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब ग्रेडिन को जलस फील कराने के लिए लिली ने एक मास्क पहने लड़के को किस कर लिया। उसे पता ही नहीं था कि लड़का कौन है। बाद में उसे रियलाइज हुआ ये तो रॉबर्ट है। पर पार्टी के बाद दोनों ने एक दूसरे की गलती कबूल करी और दोनों फिर हमबिस्तर हुए। पर अब लिली ग्रेडिन से खुश नहीं है। अगले दिन उसने उसे डम किया और कहा, हमारा रिश्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, अब ये नहीं चल पाएगा। पर इन सब के लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, इन सब की वजह मैं हूँ। मैं अपने आप में बहुत से चेंजेस महसूस कर रही हूँ और इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इधर डोनल ऑलरेडी परेशान है ये देखकर कि लिली उसे नहीं बल्कि ग्रेडिन को डेट कर रही है। आज उसने लिली से अकेले में बात की और कहा, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम ग्रेडिन के साथ टाइम स्पेंड करती हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ग्रेडिन से मिलो। ये कहते ही वो उसे किस करने लगा। लिली ने शुरू में इसका विरोध किया पर बाद में धीरे धीरे वो उसके करीब आ गई और इस तरह दोनों ने एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों हम बिस्तर हो रहे थे पर इतने में दरवाजे की घंटी बजी और ये ग्रेडिन है जिसने की घंटी बजाई है। वो लिली को लेने आया है। लिली तुरंत यहाँ से उठी और वो ग्रेडिन के साथ यहाँ से चली गई और इस तरह अब दोनों फिर से रीयूनाइटेड हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डोनल ने लिली को अपने यहाँ डिनर पर इन्वाइट किया है। ये मौका है थैंक्स गिविंग डे का। इस मौके पर डोनल लिली को अपने यहाँ बुलाना चाहता है, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। पर उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि लिली के साथ ग्रेडिन भी आया हुआ है। डिनर करने के बाद लिली डैफना को सुलाने उसके कमरे में ले गई। डोनल भी मौका देकर उसके कमरे में घुसा। उसे यहाँ पर ये मौका दिखाया लिली के पास जाने का। वो उसके करीब गया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसके बाद उसे किस करने लगा। लिली इन सब का विरोध कर रही थी। वो डोनल को बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी पर डोनल था जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में डैफना जाग गई। वो यहाँ पर आई। इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर वो थोड़ी अपसेट हुई और वो घर से बाहर जाने लगी। ग्रेडिन ने डैफना का पीछा किया। डैफना इस समय रोड पर आ गई थी। एक कार आई और डैफना उससे टकरा गई और इस तरह डैफना का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टर ने बाद में उसे आउट ऑफ डेंजर बताया। लिली ये सब देखकर बड़ी ट्रॉमेटाइज्ड है। जो कुछ भी हुआ है इसका कसूरवार वो अपने आप को मान रही है। घर आकर उसने आईवी से जुड़ी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन सारी पिक्चर्स और डायरी को हटा दिया है। अब उसे महसूस हो रहा है कि वो कितना ऑब्सेस्ड हो चुकी है आईवी को लेकर और इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में जहर घोलने लगी है। इसके बाद उसने शावर लिया। इतने में ग्रेडिन यहाँ पर आ गया और उसने कहा, डैफना अब ठीक है। पर इधर डोनल्ड है जो कि लिली के लिए अब साइको बन चुका है। उसने दरवाजे पर नॉक किया और घर के अंदर घुसा। घुसते ही उसने लिली पर अटैक कर दिया। ग्रेडिन ने उसे बचाने की कोशिश की पर डोनल्ड ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। उसके हाथ कैंची भी लगी जिससे उसने उसे बार बार स्टैब किया। इतने में लिली यहाँ से भाग गई। रॉबर्ट भी यहाँ दौड़ता हुआ आया और उसने डोनल्ड से कहा, पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। पर डोनल्ड इस समय पागल हो चुका है। उसने तुरंत ही रॉबर्ट को सीढ़ियों के नीचे ढकेल दिया। डोनल्ड लिली का पीछा करते हुए छत पर चढ़ा पर वहाँ से नीचे गिरकर ज़मीन पर मर गया। फाइनली लिली को अब डोनल्ड से छुटकारा मिल गया है पर इन सब से उसने काफ़ी कुछ सीखा है। अब उसने स्कूल से अपने आप को ड्रॉप करने का प्लान किया है और वो वापस मिशिगन जाने वाली है। पर इतने में ग्रेडिन उसके पास आया और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें डोनल्ड से बचाने की कोशिश की और इसकी वजह ये थी कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तुमसे पहले भी उसके कई लड़कियों के साथ रिश्ते रहे थे और तुम भी उन लड़कियों में से एक लड़की थी, इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें उसके करीब जाने से रोका। पर फिक्र मत करो, अब वो सब बीती बातें हैं, अब हम मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लिली को ग्रेडिन की बातें बड़ी कन्विंसिंग लगी हैं और उसने ये फैसला किया है कि अब वो स्कूल को ड्रॉप करने का फैसला छोड़ देगी। अब वो यहीं पर रहेगी ग्रेडिन के साथ और अपनी पढ़ाई को पूरा करेगी। इसके साथ उसने अब कैलिफोर्निया में ही रहने का प्लान कर लिया है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।